आज एक्सपर्ट रसोई की रानी में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने आएंगी सिनेमा की रानी लवी रोहतगी। और उनके सामने आएंगी दरभंगा की सबसे हटके रानी प्रिया सिंह। एक्सपर्ट रानी में फूटेगा अनार बम। आज कुकिंग एक्सप्रेस में बनेगा लजीज सलाद। अब आज भी धन चक्कर में पड़ेंगी दोनों रानियां। तो शुरू करते हैं एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। नमस्कार, प्रणाम, स्वादिष्ट सलाम। मैं हूं रिपुदमन हांडा और आप सबका स्वागत है उस शो में जिसका नाम है एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट This wash bar presented by King's Soybean Oil, co-presented by Horlicks, powered by Prestige in association with Catch Salts and Spices. आज के एपिसोड में फिर से होगी दो रानियां आमने सामने, एक सिनेमा की मस्ती और हमारे दूसरी देसी हस्ती। सबसे पहले बुलाते हैं हमारी फिल्मी हस्ती जो सिनेमा की चिंगारी है, जिस भी मंच पर जाती है आग लगा देती है और अपने हाथ के बने खाने से प्यार बढ़ा देती है। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली लवी रोहतगी। क्या बात कर दी प्रीतम तेरे, क्या मैं इधर आ जाता हूँ, क्या बात है। स्वागत कीजिए लवी रोहतगी जी का। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका रसोई की रानी के इस मंच पर। ये बताइए कि डांस तो समझ आ गया, लेकिन अभी खाना भी बनाया है या फिर ऐसी? नहीं नहीं, ऐसे ही क्यों, माना कि आप शेफ हैं बहुत बड़े, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो आते ही दिख गए। लेकिन आज जो आपके सामने हमारी देसी हस्ती है ना, उनके बारे में कहा जाता है वो दुनिया से हटके हैं। उनको जो एक बार देख ले वो बार बार देखता ही रहता है। तो दिखाइए अपना जो हटके कंटेस्टेंट है उनको। तो स्वागत कीजिए दरभंगा की प्रिया सिंह का। कैसे आप? अच्छी। सबसे पहले तो स्वागत है प्रिया आपका रसोई की रानी के इस मंच पर। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। जी जी। क्या लगता है कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है? मैं ही जीत के जाने वाली हूँ, बस मैं ही जीत के जाने वाली हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब दरभंगा से ही लेके आए हो कॉन्फिडेंस कि आज यहाँ पर रसोई की रानी के मंच पर मैं ही खाना पकाऊंगी और मैं ही जीतूंगी। मैं ही जीतूंगी। देखिए ये तो मैं बेशक मानती हूँ कि आप इन लोगों को लाए हैं, पूरे इंडिया से छांट छांट कर लाए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करूंगी। देखते हैं कि आज कौन बाजी मारता है, क्योंकि जो तराजू है वो दोनों इक्वल लेवल पे है। चलिए देखते हैं कौन बाजी मारता है हमारे पहले राउंड में और किसको मिलती है वो एक्सपर्ट शेफ कैप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड एक्सपर्ट रानी, ब्रॉट टू यू बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार, जो बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। लवी जी,
लीजिए। देखिए खासम खास मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि इनको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है ना वो स्पेशली मैंने आज टास्क में वही लेके आया। ठीक है, तो देखिए आपकी लिपस्टिक की तरह, आपकी ड्रेस की तरह और इनकी ड्रेस की तरह लालम लाल मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए ये अनार। अनार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अनार अनार पसंद नहीं है ना? तो चलिए एक काम करते हैं, चेंज कर सकते हैं, केला संतरा वगैरह वगैरह कुछ और ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना जो एक बार आ जाता है ना वो वापस नहीं जाता। आज आप दोनों को छीलने हैं ये अनार और इसके बिल्कुल साफ दाने, यानी कि अनार के दाने डालने हैं आपको इस ग्लास के अंदर। जिसके ज्यादा दाने होंगे ग्लास के अंदर वो जीतेगा एक्सपर्ट रानी और उसे मिलेगी शेफ हेल्थ। ये राउंड है आपका 100 अंक का और आपको ये अनार छीलने के लिए दिए जाएंगे पूरे 2 मिनट। आप दोनों के 2 मिनट शुरू होते हैं अब। चलिए 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 फास्ट 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 फास्ट, यू हैव टू डू फास्ट। देखिए अनार के दाने दाने पे लिखा है जीतने वाले का नाम। क्या लगता जी इससे ज्यादा टफ नहीं मिला तुम्हें और कुछ देने के लिए? आपको मुझे पसंद नहीं है लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आपको पसंद आएगा। ये देखो मेरे हाथ कितने। जो अनार है वो आपकी बॉडी में खून बढ़ाता है। अरे यहाँ तो मेरा खून जला रहा है। अनार खून जला रहा है, क्या बात है। प्रिया क्या लगता है? पता नहीं लेकिन आप देख रहे हो उधर वो कितनी स्पीड से छील रही है और आपका हाथ काफी स्लो चल रहा है। जल्दी कीजिए 1 मिनट खत्म हो चुका है। प्लेट में नहीं भरना जी लवि जी, ग्लास में भरना है, जल्दी कीजिए। सिर्फ दाने डालने हैं दाने। बाकी है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसके अनार ज्यादा साफ सुथरे भरे हैं वो देखना जरूरी है, तो देखते हैं। देखिए अगर मैं इस तरह देखूं तो इस राउंड में बाजी मार चुकी है लवि जी। yes! क्या बात है, इतनी खुशी अनार छीलने में? हाँ, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अनार छीला है और जीत भी गई, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। मार्किंग है वो इस हिसाब से है कि 100 में से 100 अंक मिलते हैं लवि जी को और प्रिया को मिलते हैं 100 में से 70 अंक। लवि जी आपको मिलती है शेफ हेल्प जिसको आप यूज कर सकते हैं हमारी आखिरी चुनौती में, यानी कि एक्सपर्ट मुकाबले में केवल 1 मिनट के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कब यूज करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल बोनस राउंड लेके आए। अब देखिए आप चल रही है पीछे तो हम आप दोनों के लिए मौका लाए हैं जिसमें आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकती है और इस राउंड का नाम है एक्सपर्ट रैपिड फायर ब्रॉट टू यू बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार। अपने स्कोर को चुटकी में चकाचक करने का मौका और इस राउंड में आप दोनों को मौका मिलेगा 25-25 पॉइंट्स कमाने का। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल 5 पॉइंट्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इलाहाबाद का सबसे मशहूर फल। 1, 2 अनार। गलत जवाब। अमरूद। टमाटर फल है या सब्जी? सब्जी। फल। गलत जवाब, फल है। तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। कहावत को पूरा कीजिए, दूध का जला
छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या बात है, वेरी नाइस। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। 3, बेल पर उगने वाले सब्जी बताइए प्रिया। कद्दू। कद्दू। लौकी। लौकी। और तोरी। तोरी, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। आखिरी सवाल, दूध से बनी 5 चीजें। खीर, रबड़ी, मालपुआ। मालपुआ नहीं, मालपुआ नहीं होता। नहीं होता है। खीर, रबड़ी, रसगुल्ला। रसगुल्ला। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अपना टाइम ओवर। बता देता हूँ, दही, पनीर, छेना, रबड़ी, खीर और खीर। ऐसे ही और मस्ती भरे राउंड होंगे आगे। अभी लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। चल रहा है महा मुकाबला लवी रोथकी और प्रिया सिंह जी के बीच में। आइए अब शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, जिसका नाम है कुकिंग एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आप दोनों को इसके नियम बताया था। नियम यह है कि आपको आज बनाना है एक सैलेड। सैलेड बनाना है आपको 2 मिनट। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए ना। अब देखिए टाइम की हमारे पास 2 मिनट में कैसे हो सकता है। हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो ऐसा बनाएंगे कि सिखाया भी नहीं जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए अगर नहीं खाया जाएगा तो नुकसान आप पे, क्योंकि आप दोनों को इस पे मौका है 100 अंक कमाने का। ओके। जिसका सैलेड ज्यादा अच्छा होगा उसको मिलेंगे ज्यादा अंक। तो आप दोनों का समय जो है वो है 2 मिनट और वो शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, 1 मिनट हो चुका है। प्रिया जी उधर देखिए, घुल चुका है। क्या कर रहे हैं आप? मैं भी कर रही हूं। कभी बनाए हैं सैलेड इससे पहले? नहीं, कभी नहीं बनाया सैलेड। हाँ मतलब सिंपल सिंपल सैलेड बनाए हैं। चलिए क्या बात है, नींबू उल्टा है। अरे ठीक है ना, जाएगा। इतना डिस्टर्ब करने आए हो? क्या बात है। आप दोनों के पास 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए। तो चलिए दोनों रानियां हमारी सैलेड बना चुकी है, अब बारी है चखने की। चलते हैं टेस्टिंग के लिए। चलिए क्या बात, आपको मैं दूंगा 100 में से 80 मार्क्स और आपको भी मैं दूंगा 100 में से 80 मार्क्स।
बराबर है। तो हुआ ये टाई, अभी तक का जो टोटल स्कोर है वो है 187 और आपका है 163। अब दोनों रानियों को मिलने वाली है मेरी चुनौती, यानी कि चुनौती शेफ की। क्या होगी चुनौती मेरी, कैसा होगा मुकाबला, कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी हारेगा, सब देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। चल रहा है लवी जी और प्रिया जी के बीच में महा मुकाबला। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं हमारी प्रिया सिंह जी से। प्रिया जी मुझे ये बताइए, आप ये लड़कों की तरह रहना, ये कहानी क्या है, क्यों ऐसा, क्यों लड़कों की तरह क्यों आप रहना चाहती है? हम चार बहन और एक भाई है। चार बहन और एक भाई आपके अलावा? हाँ। ओके। और पापा को दो लड़का चाहिए था। अच्छा, तो भाई एक ही है ना, तो दूसरा लड़का मुझे ही बना दिए और मुझे भी रहना इस तरीके से अच्छा लगता है। तो ये पापा ने बनाया है या आप खुद बने? नहीं, पापा बनाया है बचपन से ही ना। पापा बनाया? हाँ। रिया शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी तो बहुत दूर का है, फिर भी कभी कोई। हाँ, आपकी तरह लड़का चाहिए। आपसे मिलने का यही है, मैं यहाँ कोई जीतने हारने नहीं आई हूँ। अच्छा। मैं बस एंजॉय करने और आपसे मिलने आई हूँ, आपके साथ सेल्फी लेके जाऊंगी यहाँ से। सेल्फी लेके? चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू प्रिया। तो अब बारी है उस राउंड की जिसके बाद चाहे हम मेरे कहने पे आप दोनों चलेंगे और रुकेंगे, क्योंकि इस राउंड का नाम है चुनौती शेफ की। तो लीजिए ये है आप दोनों के लिए मेरी तरफ से शेफ की टोकरी। रवि जी आपके लिए, रिया जी ये आपके लिए। सबसे पहले देखिए आप दोनों की शेफ टोकरी के अंदर है क्या। आपको आज बनानी है वो डिश जो यूपी बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि आप दोनों को बनानी है करेले भिंडी बैंगन भरवा कलौंजी। दही और जीरा कहाँ है? अच्छा, आपको चाहिए दही और जीरा? हाँ, वो होगा तभी तो बनेगा ना। मेरा भी दही और गरम मसाला नहीं है। आपको अपना मिसिंग सामान लेके आना होगा हमारे बिग स्टोर में जाके, और साथ ही साथ आपको धन कमाने का मौका मिलेगा हमारे धन चक्कर से। तो ये है हमारा धन चक्कर, अगर आपका कर्सर आता है प्रेस्टीज पे तो आपको मौका मिलेगा हमारे बिग स्टोर में जाकर प्रेस्टीज का कोई भी एक बर्तन उठाने का मौका, वो भी फ्री। ओह। और साथ ही साथ 20 पॉइंट्स कमाने का मौका, और यही नहीं आपको मिलेगा प्रेस्टीज की तरफ से एक और बार ये धन चक्कर घुमाने का मौका। तो पहले कौन आ रहा है, आ जाइए। चलिए घुमाइए फिर, चलाइए अपना हाथ। लकी हाथ मेरा, आई होप मेरे लिए लकी रहे। ये रुकता अपनी मर्जी से ही है। आपको मिलता है प्रेस्टीज की तरफ से कोई भी सामान लेने का मौका हमारे बिग स्टोर से, साथ ही साथ एक और बार घुमाने का मौका धन चक्र को, वो कैसे भूल गए। चलिए घुमाइए वापस। हाँ जी, एक किस देना वहां से, दो ना दूर से, अभी करते हैं। क्या बात है प्रेस्टीज,
आपको फिर से मिलता है प्रेस्टीज की तरफ से हमारे बिग स्टोर से कोई भी बर्तन लेने का मौका और साथ ही साथ 20 पॉइंट्स यानी कि कुल मिला के 40 पॉइंट्स और दो बार प्रेस्टीज के बर्तन लेने का मौका। चलिए आ जाइए आप इधर। रिया जी अब आ जाओ। रिया क्या लगता है कितने पॉइंट्स आएंगे? 100 चाहिए। 100 चाहिए, शुरू हो जाइए। पॉइंट्स। देखिए दोनों के पास है 40 पॉइंट्स, लेकिन लवी जी के पास है दो बार प्रेस्टीज का कोई भी बर्तन लेने का मौका हमारे बिग स्टोर से। तो तैयार है आप दोनों? हाँ, जी बिल्कुल। लेकिन आज आप दोनों नहीं जाएंगी बिग स्टोर। क्यों? क्यों, अभी हम जीते हैं ना। आप जाएंगी कल यानी कि रविवार के दिन जाएंगी आप हमारे बिग स्टोर में और वहां जाकर आप सामान ले सकती है। तो देखते हैं कि कल कौन मारेगा बाजी और कौन बनेगा एक्सपर्ट रसोई की रानी की विनर और किसे मिलेगी वो एक्सपर्ट शेफ कैप। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का वो मोमेंट जो बन गया प्रेस्टीज स्मार्ट किचन मोमेंट ऑफ द डे। रिया शादी के बारे में क्या सोचा? हाँ, आपकी तरह लड़का चाहिए। मेरी लड़का भी चाहिए खाना बनाने वाला। हाँ, खाना बनाने वाला स्पेशली चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? वो खाना पका लेगा, मैं आराम कर लूंगी। कल के एपिसोड में जारी रहेगी ये स्वादिष्ट जंग। किसकी नैया लगेगी पार, किसकी नैया डोलेगी, कौन एक्सपर्ट मुकाबला जीत कर पाएगा वो एक्सपर्ट शेफ कैप। तो देखना मत भूलेगा रसोई का ये महा मुकाबला एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय किंग सोयाबीन ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय प्रेस्टीज इन एसोसिएशन विद कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। तब तक के लिए शुभ रात्रि।